नमस्कार वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूं विकास नांगिया दोस्तों वक्त आ चला है कि हम 2012 को रुखसत करते हुए 2013 का स्वागत करें और इस बीच खुद ब खुद ख्याल जाता है कि हम जाने कि 2012 में क्या क्या खामियां रही और 2013 में क्या क्या चुनौतियां ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर हम यदि ध्यान दें तो उन चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं लिविंग के आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तु और फंक्शन के नज़रिए से 2013 हम सब के लिए किस तरह से आनंद में मंगल में रहेगा स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी का पल्लवी जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और देखिए सबसे पहला जो सवाल बड़ा ऑब्वियस बनता है आ, वो ये है कि 2012 को लेकर की बहुत सी अटकलें थी कि भी ये साल खत्म हो जाएगा कैलेंडर जो है थम जाएगा और दुनिया शायद आगे रहेगी या नहीं रहेगी और देखिए हम पहुंच चुके हैं 2013 की ओर क्या कहेंगी आप 2012 के बारे में बहुत से लोगों की ये मान्यता थी कि यहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक जो कैलकुलेशन बैठता है जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी में पंचांग बना हुआ है और वास्तु का अपना एक खास कैलेंडर है और फंक्शु के भी अपने कुछ खास तरह के कैलकुलेशन बने हुए हैं उसके अनुसार ये मान्यता इसलिए है कि दो दो हज़ार में एक ऐसा कैलकुलेशन है जिससे हर ग्रह अपने घर में खुद दाखिल हो जाता है जैसे बोलते हैं कि पृथ्वी गोल घूम के आती है और एक नई शुरुआत होती है और वहाँ से एक नई नई बिगनिंग हो है तो 2013 में ज़िंदगी की कुछ नई रफ्तार बहुत सारी बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस आएंगे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो उनकी जगहों पे डिपेंड करता है लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर रहेगा और दुनिया तो शायद 2012 में तो क्या अभी तो बहुत टाइम तक नहीं ख़त्म होनी है लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है जी चलिए 2013 के बारे में बताइए कि क्या लगता है कि ये जो साल है किस तरह का साल है 2013 अगर जनरल वास्तु के बारे में बात करने जाए ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में तो बहुत ही एवरेज साल होगा कुछ ऐसी बड़ी खास घटनाएं अच्छा कह सके वैसे होने के चांसेस कम है लेकिन कहीं किसी जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे कुछ बहुत सारे लोगों की जान हानि होने के या कोई बहुत बड़े नुकसान होने के चांसेस कोई स्पेसिफ़िक जगह पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है 2013 हज़ार काफ़ी तरह के बिज़नेस के लिए जैसे मेटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए उसमें कुछ नए इन्वेंशन एजुकेशन में होने के अच्छे शुभ चांसेस है और मेटल इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़े नुकसान होने की ज़्यादातर लोहे के साथ रिलेटेड जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनको ये साल 2013 में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई देगा और काफ़ी हद तक नुकसान होने के चांसेस है जी। तो दो हजार तेरह वैसे आमतौर पर देखा जाए तो बहुत ही एवरेज साल है और इस तरह का कैलकुलेशन है कि हर एक की, की जिंदगी में कोई ना कोई तरह का बदलाव जरूर रहेगा जी दर्शको जब शब्द एवरेज आता है तो कहीं ना कहीं अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड देख करके चले तो उसमें यह बात है कि कहीं कुछ नेगेटिव नहीं है तो एवरेज है यानी ठीक है अच्छा है बढ़िया है और इसको अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट मानते हुए चले तो पलवी जी हम अक्सर वास्तु लिविंग में इस बात पर जोर देते हैं कि दिशा दशा बदल सकती है दिशाएं क्या इशारा कर रही हैं 2013 के बारे में जैसे हर साल पृथ्वी अब एक पूरा राउंड पूरा करती है एक सर्कल घूमती है जिसकी वजह से कुछ वेरिएशन आता है जिसकी वजह से ग्रहों की पोजीशन की डिग्री अलग अलग जगह पे बदल जाती है स्पेस का जो साइंस है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं और उसको अर्थ के साथ किस ढंग से कनेक्ट किया जाए उसको वास्तु कहते हैं ताकि वो हर तरह के एलिमेंट से आपका बचाव हो सके नेगेटिव एलिमेंट्स ग्रहों के प्रोस्पेक्ट से हर चीज़ों से इसी वजह से एवरी ईयर वास्तुशास्त्र के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ दिशाओं के अंदर जब उसकी घरवान उसकी दिशाएं ठीक ना हो तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चेंजेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये बात एवरी ईयर की होती है कुछ दिशाएं ऐसे अच्छे पीरियड में चली जाती है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चेंजेस करने से वहाँ से काम की शुरुआत करने से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने से वो प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होता है बहुत ही फायदेमंद रहता है और बहुत लंबे अरसे तक उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लाभ ही लाभ दिखाई देता है तो बोलते हैं ना कि एक शुभ शुरुआत आदमी को बहुत अच्छे मोड पे लेके जाती है इसी तरीके से 2013 के बारे में वास्तु प्रोस्पेक्ट से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी दिशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है ऐसे डायरेक्शन चार्ट वाले एलिमेंट के रिलेटेड लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च के साथ जुड़ी हुई हस्तियों को बहुत फ़ायदा करता है और एजुकेशन फील्ड के लिए 2013 डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा नॉर्थ वाटर एलिमेंट के साथ रिलेटेड बिजनेस के लोगों के साथ जैसे कि कोई भी तरह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ वाटर uh, बिजनेस के अंदर कई तरह, तरह की अलग अलग चीज़ें आती है जिसमें मेडिटेशन स्परिचुअलिज्म उसमें भी 2013 बहुत अच्छा रहेगा ऐसे बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा नॉर्थ वेस्ट गोल्ड मेटल और कुछ खास तरह के ज्वेलरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को जो कि डायमंड ज्वेलरी है या फैशन से रिलेटेड चीज़ों के साथ कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड चीज़ों के साथ खुशबू वाली चीज़ों के साथ इस तरह के बिज़नेस के साथ जुड़े लोगों को भी वो फायदा करेगा सो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बहुत फ़ायदेमंद है फीमेल के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा फ़ीमेल के साथ जो भी बिजनेस के अंदर फीमेल ज़्यादा है या घर के अंदर भी जहाँ पे भी कोई भी एजुकेशन के अंदर लड़कियों का एजुकेशन 2013 में आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये बात हर एक के लिए नहीं है बट हम मेजोरिटी बात कर रहे हैं और जो दिशाएं बुरी है या जहाँ से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए अगर आपके घर के अंदर कोई आपकी बेसिक ज़रूरत है कि आपको फिजिकल करेक्शन वेस्ट में करने पड़ते हो या साउथ में करने पड़ते हो तो 2013 में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने चाहिए कोई बहुत प्रायोरिटी ना हो तो उसको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर वास्तु के हिसाब से जो गलत दिशाएं आती है या जो फ़ायदेमंद दिशा नहीं है उसमें साउथ बहुत अच्छा नहीं है वेस्ट बहुत अच्छा नहीं है और साउथ ईस्ट बहुत ही एवरेज है लेकिन वेस्ट और साउथ में अगर घर के अंदर आप कोई तरह की तोड़फोड़ या कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हो नए काम के लिए या बने बनाए घर में कोई रिनोवेशन करते हो और वहाँ पे कोई करेक्शन होता है तो मकान का डोर और बाकी की सारी सिचुएशन एज इट इज़ होने के बावजूद भी लगातार घर के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो ये दो दिशाएं ऐसी है कि जिसमें 2013 के अंदर किसी भी नई शुरुआत को या रिनोवेशन नहीं करना चाहिए। जी तो दर्शकों पलवी जी ने कहा कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये तीन दिशाएं तो कार्डिनल और सब कार्डिनल जो है ये तीन दिशाएं जो हैं हम सब के हक में है हम सब के फेवर में है और पॉजिटिव है और जो उन्होंने कहा कि साउथ और वेस्ट ये दिशाएं जो हैं थोड़ी सी इस साल के लिए दिक्कत में हो सकती हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनसे जुड़ी उन प्रॉब्लम्स का निवारण क्या है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस पर चर्चा होगी और 2013 से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत होगी आप जाएगा नहीं देखते रहिए वास्तु लवेंगे